kids, welcome back to your SST class. And I'm your teacher and mentor Ananya, and I'm back with a new chapter of your Jelly Bean Journeys book by Brainroot Publications. Alright children, so far we have completed almost 8 chapters of your book. And humne is dauran different concepts ko padha hai. ठीक है ना, हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है, वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है, लिथोस्फेयर एटमोसफेयर के बारे में पढ़ा है एंड व्हाट नॉट. आज हम जोन्स के बारे में पढ़ रहे थे, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन. तो आज हम फ्रिजिड जोन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फ्रिजिड जोन का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन मिलती है, किस तरह का वाइल्ड लाइफ है और कैसे ह्यूमंस वहाँ पे सस्टेन करते हैं, यानी लोग कैसे वहाँ पे जीते हैं. ठीक है, आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स. ये कौन कौन से एनिमल्स हैं आइडेंटिफाई तो हम कर ही सकते हैं. दिस इज पेंगुइन, दिस इज पोलर बियर एंड दिस इज वॉलरस. ठीक है ना, ये पेंगुइन है, ये पोलर बियर है, ये वॉलरस है. अब इन्हें प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है वो आप बुक में लिखेंगे. दे ऐड टू द डाइवर्सिटी. ये हमारे वाइल्ड लाइफ में डाइवर्सिटी यानी भिन्नता प्रदान करता है. प्लस ये एनिमल्स हमारी अर्थ को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, तो इसीलिए इन्हें प्रोटेक्ट करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, सो यू नीड टू डू दिस ऑन योर ओन इन योर बुक. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द चैप्टर. Each hemisphere has a frigid zone. हर hemisphere में एक frigid zone है. North में जो frigid zone है वो North hemisphere में है और South की तरफ है South frigid zone. Right? ये याद है, हमने ये different temperate zones, torrid zones, different zones पढ़े थे. तो ये जो zone है ये है हमारा frigid zone. ठीक है, ये जो blue से marked है, you can see ये poles के पास है, ये blue से marked area जो है ये हमारा फ्रिजिड जोन है. ठीक है, आज हम इसी फ्रिजिड जोन के बारे में पढ़ेंगे. द फ्रिजिड जोन और द टुंड्रा रिफर्स टू द पोलर रीजन. फ्रिजिड जोन या टुंड्रा को हम पोलर रीजन्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये पोल्स के पास है. दीज रीजन्स आर वेरी कोल्ड एंड ड्राई. ये बहुत कोल्ड रहते हैं, बहुत एक्सट्रीम ठंड रहती है यहाँ पे. ठीक है, ड्राई रहते हैं, सूखे रहते हैं और ट्रीलेस, इनको हम ट्रीलेस भी बोलते हैं. क्लियर, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें अलास्का, नॉर्थ कैनेडा, रशिया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड एंड नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया. इन जगहों पे हमें ये जो है डिफरेंट फ्रिजिड जोन्स मिलते हैं. क्लियर, While the North Frigid Zone lies between North Pole and Arctic Circle, North Pole और Arctic Circle के बीच में Frigid Zone है. इसी तरह से जो South Frigid Zone है, the South Frigid Zone lies between the Antarctic Circle. यहाँ Antarctic Circle है और यहाँ पे South Pole है, इसके बीच का area South Frigid Zone कहलाता है. Alright? The continent of Antarctica is the coldest place in the world and it is very important to know कि Antarctica का जो continent है ये world का, विश्व का सबसे ज़्यादा ठंडा जगह माना जाता है. यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है. ओके, क्लाइमेट. दीज एरियाज आर फार फ्रॉम द इक्वेटर एंड रिसीव एक्सट्रीमली स्लांटेड रेज ऑफ द सन. यहाँ जो है क्लाइमेट बहुत ठंडा रहता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेटर से बहुत दूर है. सी, दिस इज़ द इक्वेटर, 0 degree लैटिट्यूड, यहाँ से बहुत दूर है ना. तो यहाँ से बहुत दूर होने की वजह से यहाँ पे सन की बहुत कम या बिल्कुल सन रेज पहुँच ही नहीं पाती हैं, या तो बहुत कम पहुँचती है या फिर पहुँच ही नहीं पाती हैं. इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन अबाउट -40 degrees Celsius. द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट accompanied by chilly cold winds called wizard. आप देख सकते हैं फोटो में, पिक्चर में ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं बह रही हैं, इसको हम ब्लिजर्ड बोलते हैं. ठीक है, समर्स आर वेरी शॉर्ट एंड नॉट वार्म इन दीज रीजन. समर्स होते ही नहीं है, या होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, कुछ ही हफ्तों के लिए समर सीज़न यहाँ पे देखा जा सकता है. और उस ड्यूरेशन में भी यहाँ पे जो है ठंड ही रहती है, गर्मी नहीं लगती.
The polar regions experience 6 months of continuous daytime and 6 months of continuous night. जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे 6 महीने के लिए दिन रहता है और 6 महीने के लिए कम्प्लीटली वो डार्क जोन में चला जाता है, यानी कम्प्लीटली नाइट हो जाता है. दीज रीजन्स आर कवर्ड विद आइस थ्रू आउट द ईयर्स एंड एक्सपीरियंसेस ओनली 2 सीजन्स, दैट इज विंटर एंड समर. यहाँ पे कोई स्प्रिंग, कोई ऑटम या कोई रेनी सीजन नहीं होता है. ठीक है, अब एक फन फैक्ट, द एंटार्क्टिका आइस शीट इज द लार्जेस्ट आइस स्टोर ऑन द अर्थ. यानी एंटार्क्टिका का जो आइस कवर है वो अर्थ का सबसे बड़ा आइस कवर है. वहाँ पे जितनी बर्फ मिलती है अर्थ पे, इससे ज़्यादा बर्फ और कहीं नहीं अवेलेबल है. वेजिटेशन, किस तरह के फूल या पेड़ पौधे या अलग अलग फूड क्रॉप्स यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा एरिया जो है बर्फ़ से घिरा रहता है, तो नाम मात्र ही यहाँ पे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं. ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेट द परमानेंटली फ्रोजन सॉइल कॉल्ड परमा फ्रॉस्ट. यानी जो मिट्टी है वो हमेशा कैसी रहती है, बर्फ़ से घिरी हुई, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, परमा फ्रॉस्ट. देर इज ऑलमोस्ट नो वेजिटेशन इन दिस जोन. प्लांट्स सच एज मॉसेस, लाइवॉट, लीचेंस, ग्रासेस एंड बुशेस ग्रो हेयर When ice melts, जब कुछ दिनों के लिए आइस जो है मेल्ट हो जाती है, बर्फ़ पिघल जाती है, तब कुछ छोटे छोटे पौधे यहाँ पे उगते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में. These plants have adapted to survive in these extreme environments and tolerate low temperature as low dehydration. ठीक है, द टू स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सिर्फ दो ही तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स हमें एंटार्क्टिका में मिलते हैं, जिसका नाम है एंटार्क्टिका हेयर ग्रास एंड एंटार्क्टिक पर्ल वॉट. ये दो ही तरह के जो है फूलों के पेड़ मिलते हैं यहाँ पे, और ये हमें साउथ ऑर्की आइलैंड्स या साउथ सीटलैंड आइलैंड्स में या वेस्टर्न एंटार्क्टिका पेनिनजुला में देखने के लिए मिलते हैं. सिर्फ यहीं पर ये फूल उगते हैं. There are no forest in the frigid zone. क्योंकि पेड़ों की कमी है, पेड़ उग ही नहीं सकते ऐसे ठंडे वातावरण में, इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरह का कोई जंगल नहीं मिलेगा. दूर दूर तक सिर्फ आपको बर्फ की चादरें ही दिखेंगी. Wildlife in extremely cold climate of this region, it is nearly impossible for any life form to survive. बहुत ज़्यादा ठंड में कोई जीव जंतु ठीक से रह नहीं सकता है. ठीक है, only few animals like reindeer, hares, ermines, polar bears, musk oxen, seals, whales, walruses and wolf-like dogs called huskies. यानी भेड़िए जैसे दिखने वाले जो डॉग्स हैं, जिनको हम हस्कीज बोलते हैं, वो नॉर्थ फ्रिजिड जोन में मिलता है. These dogs are used for hunting and pulling sledges. इन डॉग्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर हंटिंग यानी शिकार करने के लिए, और स्लेज, स्लेज एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कि आइस पर चलता है. ठीक है, वुडन ट्रांसपोर्ट है जो कि आइस पर ईजिली चल सकता है, तो उन स्लेजेस को पुल करने के लिए, खींचने के लिए भी इन डॉग्स को यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये जो हस्कीज हैं या ये जो रेनडियर्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं फॉर पुलिंग द ट्रांसपोर्ट, दैट इज स्लेज. ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स यहाँ पे हमें मिलते हैं. यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं लिचेंस और एंटार्क्टिक हेयर ग्रास की, जो कि एंटार्क्टिका में उगता है. वो भी तब उगता है जब थोड़ा बहुत सन रेज यहाँ पर पहुँच पाता है जिन रीजन्स में. ओके, The polar bears, for example, have a thick layer of fat under their skin that saves them from severe cold. Penguins, fishes, seals and krills are mostly found in Antarctica. ये जो polar bear है, as you can see, body में बहुत ज़्यादा fur है, और इस fur की वजह से ही अंदर जो है, इस fur के नीचे एक fat stored रहता है, जो polar bear को ऐसे ठंडे region में protection देता है, और इसीलिए polar bear यहाँ पे आपको मिल जाता है आसानी से. इसके अलावा एंटार्क्टिक रीजन में अगर हम जाएंगे, तो वहाँ पे आपको पेंगुइन, सील, वॉलरस, ये सारे एनिमल्स ही देखने के लिए मिलेंगे. एक फन फैक्ट पढ़ते हैं, अ पोलर बियर कैन वे अप टू 500 किलोग्राम, यानी 500 केजी तक का भी पोलर बियर हो सकता है, लेकिन फिर भी इतने हैवी वेट होने के बाद भी
वो काफ़ी तेज़ी से स्विम कर सकता है फ्रीजिंग वाटर्स पे। एंटार्क्टिका का जो फ्रीजिंग वाटर्स है उस पे वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विमिंग कर सकता है। ओके, ह्यूमन लाइफ। अब क्योंकि यहाँ इतना ठंडा एटमोसफेयर रहता है तो क्या यहाँ लोग रहते हैं, और अगर रहते हैं तो किस तरीके से लोग रहते हैं। लाइफ इन फ्रिजिड जोन इज़ वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एंड लैक ऑफ वेजिटेशन। द इन्यूइट्स आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीन लैंड्स हु अडेप्टेड टू द हार्श क्लाइमेट। ग्रीन लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे बर्फ़ हमेशा रहती है, और यहाँ के जो लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम इन्यूइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट हाइटल थोड़े से छोटे हाइट के पीपल होते हैं और ये यहीं पे रहते हैं। इन्यूइट्स इनको हम एस्किमोस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको हम एस्किमोस के नाम से भी जानते हैं। दे हैव अडेप्टेड टू दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट। वो रहते रहते इस क्लाइमेट से काफ़ी जो है अडेप्ट हो चुके हैं, वो इस क्लाइमेट को किसी भी तरह झेल जाते हैं। दे आर शॉर्ट इन हाइट। उनका हाइट जो है आम तौर पे जो दूसरे लोग हैं उनसे थोड़ा छोटा होता है। दे हैव फ्लैट फेसेस विथ स्मॉल आइज। उनका जो फेस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी फ्लैट और छोटी छोटी आँखें होती हैं, और जो उनका स्किन है वो कॉपर येल्लो कलर का होता है। इन द नॉर्थ फ्रिजिड जोन द यूनिट्स इन यूनिट्स बिल्ड देयर हाउसेज विद स्नो ब्लॉक। दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज। नॉर्थ फ्रिजिड जोन में यानी नॉर्थ पोल की तरफ जो इन्यूइट्स हैं वो अपना आइस से घर बनाते हैं, आइस के बड़े बड़े स्लैब्स यूज करके घर बनाते हैं, उसको हम इग्लू बोलते हैं। ठीक है, एंड दीज आर एयर टाइट, यानी ये जो है अंदर ठंडी हवा को आने नहीं देते, ब्लॉक कर देते हैं, इसीलिए इग्लू अंदर से बहुत ज़्यादा वार्म होता है, गर्म होता है। दे एंटर एंड एग्जिट थ्रू टनल्स। उन्होंने नीचे सुरंग बनाई होती है आइस के शीट के, और उसी के थ्रू इग्लूज में वो एंटर या एग्जिट करते हैं। द फ्लोर्स ऑफ देयर हाउसेज आर कवर्ड विथ थिक स्किन्स एंड फर्स ऑफ एनिमल। एनिमल के फर या स्किन से जो फ्लोर है, ज़मीन है, उसको कवर करके रखते हैं ताकि गर्माहट बनी रहे। पीपल इन द फ्रोजन रीजन्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स। क्योंकि कोई वेजिटेशन नहीं है तो सर्वाइवल के लिए वो कम्प्लीटली किस पे निर्भर करते हैं, वहाँ के जीव जंतुओं के ऊपर। हाउएवर एंटार्क्टिका इज़ नॉट इनहेबिटेड बाई एनी परमानेंट रेसिडेंट। नॉर्थ जोन में आपको फिर भी कुछ लोग मिल जाएंगे, लेकिन एंटार्क्टिका में ऑलमोस्ट आपको जो है लोग मिलेंगे ही नहीं। वहाँ पर कोई परमानेंट रेसिडेंट नहीं रहता क्योंकि वो कोल्डेस्ट रीजन है। मेनी साइंटिस्ट विजिट एंटार्क्टिका फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। रिसर्च पर्पस की वजह से या वैज्ञानिक शोध की वजह से कई वैज्ञानिक एंटार्क्टिका जाते तो हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन तक रुक नहीं सकते। दे स्टे इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टेम्परेचर रेजिस्टेंट हाउसेज टू कंडक्ट रिसर्च। अबाउट 4,000 सीजनल विजिटर्स ट्रेवल टू एंटार्क्टिका एवरी ईयर। यानी एज कम्पेयर टू बाकी जगह 4,000 सीजनल विजिटर्स जो है एंटार्क्टिका जाते हैं, कोई रिसर्च के लिए जा रहा है या कोई वैसे ही जा रहा है, और फिर वो वापस आ जाते हैं, वहाँ परमानेंटली कोई भी स्टे नहीं करता है। क्लियर। नाउ लेट्स गो थ्रू वन एआई फैक्ट। यूजिंग रडार फोटोग्राफ ऑफ ग्लेशियर्स एआई डिटेक्ट्स क्रिवेस इज डेवलपिंग इन आइस एंड ट्रैक्स फ्रैक्चर्स। यानी एआई फोटोग्राफ, एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आइस के बीच में जो क्रैक्स हो रहे हैं या बर्फीले तूफानों को डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे काफ़ी हेल्प मिलती है वहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन देने में भी, और साथ ही में हमें भी वहाँ के वेदर कंडीशंस के बारे में पता लगाने की। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट वर्ड्स दैट वी केम अक्रॉस इन द चैप्टर। फर्स्ट इज रिजिड। रिजिड मीन्स अ एरिया दैट इज कवर्ड विद स्नो ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड। एक ऐसा एरिया जो कि एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। डिहाइड्रेशन अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन बॉडी लूजेस टू मच वाटर्स एंड अदर फ्लूइड्स दैट नीड्स टू वर्क नॉर्मली। यानी जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, स्लेज एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट या व्हीकल जो कि रेंडियर्स या हस्कीज खींच के लेके आते हैं, यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग ओवर द स्नो। यानी स्नो पे चलने के लिए या कहीं इधर उधर जाने के लिए स्लेजेस यूज करते हैं। ये लकड़ी के बने होते हैं। आप सभी ने सांता क्लॉज को देखा होगा क्रिसमस पे, जिस कार्ट पे वो बैठे रहते हैं, दैट इज़ अ स्लेज। ठीक है,
इग्लू अ हाउस मेड आउट ऑफ स्नो, यानी बर्फीले आइस क्यूब्स या स्नो क्यूब से जो हाउस घर बनता है दैट इज कॉल्ड अ इग्लू. ठीक है, कुछ इस तरह का सेमी स्फेयर शेप में होता है जो हमारा इग्लू है. ठीक है, आपने बचपन में जब डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस बनाया होगा तो तब आपने इग्लूज देखे भी होंगे और बनाए भी होंगे. कुछ इस तरीके का होता है इग्लू जो आइस स्लैब से बनता है. ऑलराइट, लेट्स क्विकली लुक ओवर व्हाट ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी स्टडीड इन दिस चैप्टर. द टू फ्रिजिड जोन्स आर सिचुएटेड इन द पोलर रीजन, है ना, दोनों फ्रिजिड जोन पोलर रीजन यानी पोल्स के पास में है. पीपल लिविंग इन फ्रिजिड जोन फेस मेनी डिफिकल्टीज, डेफिनेटली यहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, तो लोग जो है काफ़ी तरह की मुश्किलें यहाँ पे उठाते हैं. मॉचिन्स लिसन्स एंड स्कैंटी ग्रास ग्रो ड्यूरिंग समर इन फ्रिजिड जोन. ठंड में तो कुछ भी नहीं उगता लेकिन जब थोड़े बहुत दिनों के लिए समर्स रहते हैं तब छोटी छोटी घास मॉसेस एंड लिचन्स उगते हैं. स्लेजेस आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के लिए एक ही जरिया है दैट इज स्लेजेस. एंड इग्लू इज़ अ हाउस मेड अप ऑफ स्नो इन विच इन्यूइट्स या एस्किमोज लिव. ऑलराइट, so I hope that we have revised the chapter and you remember what all we have studied in the chapter. So now it's time to do the exercises. So let's get started. शुरू करते हैं exercises. First of all MCQs we will be doing. So first is choose the correct option. So let's begin. First one, the coldest place in the world is Greenland, Australia, Antarctica या New Zealand. कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, एंटार्क्टिका है. ठीक है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ठंडा प्लेस. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट बिलोंग टू द फ्रिजिड रीजन, इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो फ्रिजिड जोन में हमें नहीं मिलता. रेनडियर, पोलर बेयर, कैरिबाव और कैमल. कैमल ऊँट जो है डेजर्ट्स में मिलता है, वो फ्रिजिड जोन में नहीं मिलता. ठीक है. थर्ड, द इनुइट लिव इन स्मॉल हाउसेस कॉल्ड हट्स, टेंट्स, इग्लूज और कैनोपी. सो इग्लू जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है. फोर्थ, फ्रिजिड जोन्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स, फॉरेस्ट, हाउसेस, आइस. सो फ्रिजिड जोन में एनिमल्स हाँ कम ही सही लेकिन मिल जाते हैं. पोलर बियर, वॉलरस, पेंगुइन्स ये सब मिलते हैं. हाउस वो भी मिलते हैं, वुडन या फिर आइस हाउसेस. फॉरेस्ट, आइस, आइस तो रहती है, फॉरेस्ट है जो नहीं मिलता. जंगल वहाँ नहीं होता क्योंकि पेड़ पौधे उग ही नहीं सकते. ऑल राइट, फिफ्थ, पीपल इन द फ्रोजन रीजन्स डिपेंड ऑन डैश फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स. पीपल इन द फ्रोजन रीजन्स डिपेंड ऑन एनिमल्स, वो जीव जंतुओं पे निर्भर हैं क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे तो होते ही नहीं हैं. ठीक है, प्लांट्स नहीं हैं, वाटर भी बहुत रेयर है क्योंकि सारा पानी तो उसमें चेंज हो चुका है आइस में. एयर भी ठंडी हवा रहती है ज़्यादातर, सो इसीलिए वो एनिमल्स पे निर्भर रहते हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो. ओके, लेट्स मूव फर्दर. सो चिल्ड्रन, नाउ इट्स टाइम टू डू द फिल इन द ब्लैंक्स. सो वी विल टेक देम वन बाय वन. फर्स्ट इज रेफर्स टू पोलर रीजन्स, फ्रिजिड जोन रेफर्स टू पोलर रीजन्स. Next, polar regions are covered with dash throughout the years. Snow, बर्फ से घिरा रहता है जो snow. Next, dash and dash are two species of flowering plant found in these regions. So, Antarctic hair grass and Antarctic pearlwort. ठीक है, Antarctic hair grass. Antarctic pearlwort, ये दो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं. डैश आर लाइक वुल्फ डॉग्स, हस्कीज. हस्कीज एक स्पेशल ब्रीड ऑफ डॉग्स हैं. ठीक है, मैं एक बार I will write again. Huskies. Clear?
Alright, next, about 4,000 seasonal visitors travel to Antarctica every year. Antarctica every year, okay. Now let's move to exercise number C. So, state whether the following statements are true or false. These statements true hain ya false hain. So, let's do them one by one. The frigid zone is located in polar regions. Yes, this is true. So, we will write true. Second, liverwort and bushes are found in hot deserts. No, this is false. This is completely false. Third one, the polar regions experience long and hot summers. Again, false. Summers hote hi nahi hain. Fourth one, the Antarctic region is inhabited by research scientists. Yes, true. And last is, igloo is a house made up of snow. Yes, this is also true. So, I hope that you have understood the chapter properly. Aapko achche se samajh mein aaya hoga chapter. And you have also cleared your all doubts and concepts. I hope you have also noted down the exercises. Apne sare exercises hand to hand kar liye honge simultaneously. So with this, we come to an end to this chapter. We are done with today's session, children. I hope you understood the concept of frigid zone very clearly. I will meet you soon with another chapter of your book where we will again study something more interesting and innovative. So stay tuned for the new video. Bye bye and take care.